सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल पीटर्स ब्लॉग। आपका फिर से स्वागत है एक नया वीडियो में। तो आज हम लोग एक अनोखा काम कर रहे हैं, जो काम शायद ही आपको यूट्यूब में कभी देखने मिलेगा या देखने मिला होगा, इसके बाद देखने मिलेगा, बहुत जन जान जाएंगे कि इसको ऐसे करना होता है। तो जो है क्लासिक 350 एक ऐसा गाड़ी है जो टाइमलेस मशीन है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा फॉल्ट है जो आपको दिखाते हैं, और उस फॉल्ट का जो रिसेंट अभी एक नया सोल्यूशन हमने निकाला, तो उसके बारे में आज ये वीडियो है। तो चलिए आपको दिखाते हैं क्या प्रॉब्लम है और इसका सोल्यूशन हम लोग क्या करने वाले हैं। चलिए, तो आप देख सकते हैं ये हमारा क्लासिक है और इसका प्रॉब्लम है इसका बैक रेस्ट। इसका जो बैक रेस्ट है आप देख सकते हैं ये टूट गया है, और ये जो कंपनी देता है उसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं, ये ऐसे जंग खा जाता है कुछ दिन बाद। यहाँ पे एक बार शायद इसको वेल्डिंग किया गया था इस साइड का, तो ये बार बार ऐसे टूट रहा है। ये कम से कम 3 से 4 बार कस्टमर ने चेंज कर लिया है, लेकिन कोई सक्सेस नहीं है। और देखिए पेंट भी ऐसे निकल जाता है, लो क्वालिटी पेंट इसमें दिया जाता है। ऐसे गाड़ी में बाकी सब पेंट अच्छा होता है, लेकिन इसका जो रिप्लेसेबल पार्ट होता है इसको रिप्लेस करने के बाद ये और अच्छा नहीं रहता। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये वाला पोर्शन भी जंग खा जाता है, इस साइड भी और इस साइड भी। इस साइड का भी आप देखिए, तो ऐसे कुछ कंडीशन है अभी। तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो बैकरेस्ट है इसको हम लोग लगाने वाले हैं मिटियोर का बैकरेस्ट। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये एक्चुअली मिटियोर का बैकरेस्ट है और ये एसेसरीज में आता है, रॉयल एनफील्ड का ओरिजिनल है। इसका डिज़ाइन भी बहुत सही है, अच्छा लग रहा है देखने में, एकदम ओरिजिनल जैसा। तो इसको अगर यहाँ पे लगाते हैं तो काफ़ी अच्छा है, ऐसे लग रहा है, काफ़ी अच्छा लुक यहाँ पे आ रहा है, साइड से भी आप देख सकते हैं। इसको यहाँ पे हम लोग फिट करेंगे। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि इसका जो नट का पैटर्न है वो अलग है, ये बहुत चौड़ा जगह है और यहाँ पर ये बहुत पतला जगह में ये लगा हुआ है। तो इसके लिए एक अटैचमेंट बनाना पड़ेगा, अटैचमेंट पर काम चल रहा है। तो इसका हमने मेज़रमेंट अभी लिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं राजदूत का भी काम चल रहा है। तो राजदूत का वीडियोस देखना है तो उसका लिंक रहेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। और आपको हम दिखाते हैं जो अटैचमेंट हम बना रहे हैं वो, यहाँ पर हम लोग इसको छेद कर रहे हैं, इसका मेजरमेंट लिया हुआ है। तो इसका जो अटैचमेंट है ऐसे हमने एक पैटर्न बनाया उसके हिसाब से, जो कन्वर्ट करेगा मतलब क्लासिक का बैकरेस्ट को मिडियोर का बैकरेस्ट में कन्वर्ट करने के लिए ये चाहिए होगा। तो ये हम लोग अभी बना रहे हैं, इसको बनाने के बाद फिट करेंगे, फिटिंग करते टाइम आपको फिर से दिखाते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो मिटियोर का बैकरेस्ट है, इस पर हम लोग ऐसे एक अटैचमेंट बनाया, जो अटैचमेंट बोल सकते हैं, कन्वर्टर भी बोल सकते हैं। तो ये जो हमने बनाया ये क्लासिक के लिए बनाया, तो ये कंप्लीट है अभी रेडी। इसको हमने मैट ब्लैक पेंट कर दिया और इसको अभी लगाने वाला है गाड़ी में। अभी बारिश हो गया कुछ देर पहले, तो इसको हम लोग अभी इसमें लगाने वाले हैं। ये लग जाएगा इसके यहाँ पे, और ये जो छेद है वो इसके एकदम बराबर में लगा हुआ है। तो चलिए लगाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं फाइनल लुक कैसा लगता है।
तो फाइनल जो प्रोडक्ट बन चुका है वो आपको दिखाते हैं, एकदम एक नंबर जो फिटिंग हुआ है, कस्टमर एकदम खुश हो गया। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं काम हो गया कंप्लीट और ऐसे अपना क्लासिक लग रहा, एकदम मैचिंग हो गया, कोई ऐसे नहीं लग रहा है कि आफ्टर मार्केट है, लग रहा है कि कंपनी से ही ऐसे फिट हो गया है। कंपनी को क्लासिक में ये ओरिजिनल देना चाहिए, एकदम सही लग रहा। फिटिंग के लिए बस यहाँ पे थोड़ा हमने मॉडिफिकेशन किया हुआ है, सिंपल सा एकदम मॉडिफिकेशन है, बहुत सिंपल तरीके से दोनों साइड सेम तरीके से फिटिंग है और ये काफ़ी टाइट है। आप देख सकते हैं ऐसे हिला सकते हैं इसको, पूरा गाड़ी हिल जा रहा है, एकदम टाइट। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मेरे वीडियोज़ देखते रहिए।